बेलगढ़ थाने की पुलिस ने लूट के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान गोविंद कुमार पुत्र सिंहासन निवासी ग्राम हैदराबाद, थाना रौनापार जिला आजमगढ़, हाल पता बैराडी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर, दूसरा भोला यादव पुत्र स्वर्गीय प्रभुनाथ यादव निवासी रोशनगंज थाना रौनापार जिला आजमगढ़ के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का 60,869 रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 4 अप्रैल को दिन में लगभग 11 बजे समूह के एजेंट द्वारा इकट्ठा किए गए 60,869 रुपये को बगही बंधे के पास से छीनकर भाग गए थे, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना बेलघाट पर एक लिखित तहरीर दिया गया था। तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि हम तीन लोग दिनांक 4 अप्रैल को दिन में लगभग 11 बजे समूह के एजेंट से इकट्ठा किए गए पैसे को बगही बंधे के पास से छीनकर लेकर भाग गए थे। उक्त दोनों अभियुक्तगणों से तीसरे के भागने वाले साथी के बारे में पूछताछ किया गया तो उसका नाम अर्जुन साहनी पुत्र लल्लन उर्फ लल्लू निवासी रोशनगंज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ बताया गया है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलगाड़ थाना प्रभारी कमलेश कुमार, उप निरीक्षक आरिफ अली शेर, अमरेश कुमार सिंह, कांस्टेबल विपिन यादव, ग्राम सिंह यादव, प्रदीप कुमार देवानंद चौधरी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना बेलघाट क्षेत्र में महिलाओं के समूह का पैसा जमा करने वाले कलेक्शन एजेंट से दिन में 11 बजे के आसपास से लूट हो गई थी। थाना बेलघाट पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और बेलघाट पुलिस के अनावरण के प्रयास में थी, उनको इसमें सफलता मिली है। तीन अभियुक्तों ने एक मोटरसाइकिल पर बैठ करके घटना कारित की थी, जिनमें से दो अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। लूट का सारा रुपया बरामद हो गया है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद है। तीनों अभियुक्त घाघरा के उस पार आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीसरे अभियुक्त की अभी भी तलाश है। इन अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी करके और यदि सम्मत होगा तो इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी और अपराध से अर्जित संपत्ति की जानकारी करके उसे भी कुर्क करने का विधिक प्रयास किया जाएगा।